खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ की दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का कोयला से इतना दोस्ताना रिश्ता है कि इन्हें जहां भी कोयला दिखता है अपने हाथ और मुंह काला करा लेते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। अब तो यहां महादेव ने भी तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी तक को नहीं छोड़ा है, यहाँ की युवाओं के साथ धोखा किया है। पीएससी परीक्षा में कांग्रेस अपने रिश्तेदारों को भरा दिया है और बीजेपी की सरकार अगर आएगी तो पीएससी घोटाले की जाँच जरूर कराएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टी फंडिंग का पैसा दिल्ली जाता है, यहाँ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। चावल का घोटाला हुआ है, गोठान घोटाला हुआ है, शराब और कोयला में भी यहाँ पर घोटाला हुआ है। इस बार जनता सब जान चुकी है, प्रचार में और चुनाव में सबक सिखाएगी। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या होगा। 30% भ्रष्टाचार की सीमा तक बढ़ गया है। 30% तो सीधे सीधे ऊपर जाता है और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है, यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है और एक महादेव है, महादेव जी आ गए, लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। मेरे